इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे से वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे से वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी बोले 180 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। ममता बनर्जी ने कहा 200 सीटों पर विपक्षी दलों ने उड़ाया है बीजेपी के टारगेट का मखौल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के पीएम मोदी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमकर के हमला बोला है और पार्टी को 200 सीटें जीतने का चैलेंज दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के लोकसभा के चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतने के लक्ष्य का मखौल उड़ाते हुए कहा है कि वे बीजेपी को 200 सीट का आंकड़ा पार करने की चुनौती देती हैं। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि वह CAA को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि CAA के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति विदेशी बन जाएगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने लोगों से इसके लिए आवेदन ना करने का अनुरोध किया है। ये यहां पर ममता बनर्जी का बयान आया है दोस्तों। आप लोगों के अनुसार बीजेपी लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर सिमट सकती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट जिसमें यहां पर आडवाणी को भारत रत्न देते हुए द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं वो यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं और पीएम मोदी बैठे हुए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश की महामहिम राष्ट्रपति खड़ी हैं और पीएम मोदी बैठे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी ने जानबूझ करके आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है। यह पहली बार नहीं है जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब उन्हें बुलाया नहीं गया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति जी नहीं दिखी। यह घटनाएं बताती हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी की मानसिकता महिला और दलित विरोधी है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का दोस्तों। जबरदस्त तरीके से लिया है कांग्रेस पार्टी ने निशाने पर मोदी सरकार को। दिल्ली की रामलीला मैदान रैली के बाद से ही उड़ी है बीजेपी की नींद। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्रीय मांग यहां पर सामने निकल के आई है। बताते चले, पहली मांग है कि चुनाव आयोग को लोकसभा के चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा यहां पर ये मांग है कि चुनाव आयोग को चुनाव में हेरा फेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ में जांच एजेंसियों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। तीसरी मांग ये है कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए। चौथी मांग ये है कि चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद की जाए। पांचवी मांग ये है कि चुनावी चंदे का उपयोग कर बीजेपी के द्वारा बदले की भावना जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT का गठन होना चाहिए। लोकतंत्र बचाओ महारैली में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं और मोदी सरकार को घेरा है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, लोकतंत्र बचाओ महारैली में राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि विपक्ष चुनाव ही ना लड़ पाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग में अपने आदमी इन लोगों ने बैठा दिए हैं। वे खामोश ही रहते हैं, सब कुछ तमाशा देखते रहते हैं। दो मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है, कांग्रेस के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, न्यायपालिका पर दबाव डाल रहे हैं भाजपाई। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि यहां पर चुनाव को फिक्स किया जा सके, संविधान रद्द किया जाए और नरेंद्र मोदी ही सत्ता में रहे। ये कहना है राहुल गांधी का
जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी भड़के हैं दोस्तों मोदी सरकार पर। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। बीजेपी ने जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए अब उनकी वॉशिंग मशीन में साफ होकर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जनता सब समझ रही है इसलिए देश का नारा है अब की बार भाजपा तड़ी पार, ये कहना है लोकतंत्र बचाओ महारैली में उद्धव ठाकरे का। बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 40 स्टार कैंपेनर्स चुनावी मैदान में उतरे हैं। अलका लांबा, पवन खेड़ा समेत कई बड़े नेताओं के नाम यहां पर शामिल है स्टार प्रचारक की लिस्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 40 स्टार प्रचारकों के नाम जारी किए हैं। इसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। बताते चलें आप लोगों को यहां पर, इसमें बाला साहेब थोराट, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। लोकसभा के चुनाव में 40 नेताओं की ये यहां पर लिस्ट जारी की गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बताते चलें, लोकतंत्र बचाओ महारैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले मोदी सरकार में जुमले की फैक्ट्री चल रही है। अभी आपके पास और नए नए जुमले आएंगे, उनके ऊपर यकीन मत कीजिएगा। हमें साथ मिलकर के बीजेपी के भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है, ये यहां पर कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चलें दोस्तों, इस वक्त की एक और बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को लेकर के द टेलीग्राफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यहां पर सनसनीखेज दावा किया है, जिसके बाद में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे में कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी नुकसान की आशंका जताई गई है, जिससे बीजेपी को झटका लगा है। ये रिपोर्ट में कहना है बीजेपी के एक नेता ने टेलीग्राफ से कहा है कि दो राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक पार्टी के लिए सिरदर्द बनते हुए जा रहे हैं और हमें नुकसान को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। ये कहना है एक बीजेपी के नेता का टेलीग्राफ से। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भाजपा को उत्तरी या पश्चिमी किसी भी राज्य में नुकसान को कवर करने के लिए लगभग कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। हकीकत तो यह है कि भक्त कितना भी इनकार या खंडन करें, वे स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं। राजस्थान और पश्चिम बंगाल को कांग्रेस और टीएमसी के लिए चुन लेने दीजिए, फिर तो बीजेपी का और भी दम घुटेगा। ये यहां पर द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में तमाम बातें कही गई हैं और जबरदस्त तरीके से खुलासा किया गया है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो दावा कर रही है 400 पार सीटें लाने का, वो पूरी तरह से जुमला है, हवा हवाई दावा है, इसमें कोई भी दम नहीं है। बीजेपी की सीटें एनडीए की सीटें इस बार के चुनाव में घट रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र तक में सीटें घट रही हैं, यूपी में भी इस बार सीटें बीजेपी की घट सकती हैं, गुजरात में भी कांग्रेस का खाता खुल सकता है, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी कहां से दोस्तों। ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर रहे तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।